नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश में आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण देखा गया। देश के कई हिस्सों में आम लोग इस अद्भुत नजारे को देख रहे थे। अन्य देशवासियों की तरह पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सूर्य ग्रहण को देखा और इसकी तस्वीरें अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर भी की। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, अन्य भारतीयों की तरह मैं भी सोलर एक्लिप्स 2019 के लिए उत्साहित था। हालांकि मैं सूरज नहीं देख पाया क्योंकि यहां पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं, लेकिन मैंने लाइव स्ट्रीम के जरिए कोझिकोड़े में दिखाई दिए सूर्य ग्रहण का पूरा नजारा देखा। इसके साथ ही मैंने एक्सपर्ट्स के साथ बात करके इसके बारे में बातचीत भी की। बता दें कि भारत में गुरुवार को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगा। सुबह करीब 8 बजे शुरू हुए इस ग्रहण का असर दोपहर 1:30 बजे तक रहा। ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों में पूजा का कार्यक्रम जारी है, साथ ही लोग ग्रहण वाले सूरज को देखने के लिए भी उत्साहित हैं। देश के अलग अलग शहर में आज सूर्य ग्रहण का नजारा देखने को मिला। सुबह सुबह लोग बाहर निकलकर इसे देखने की कोशिश करते दिखाई दिए। देश के कई शहरों में ऐसा नजारा देखा गया जिनमें तमिलनाडु का चेन्नई भी शामिल है, तो वहीं गुजरात के अहमदाबाद में भी सूर्य ग्रहण दिखा। केरल के कोच्चि में भी सुबह सुबह लोग सूर्य ग्रहण देखने के लिए बेताब दिखे, तो वहीं उड़ीसा के भुवनेश्वर में भी सूर्य ग्रहण साफ साफ देखा गया। सूर्य के साथ केतु, बृहस्पति और चंद्रमा आदि ग्रह होने से ज्योतिष में भी इस कल्याणकारी योग का विशेष लाभ मिलेगा। साल के आखिरी सूर्य ग्रहण को वैज्ञानिकों ने रिंग ऑफ फायर नाम दिया है। बता दें कि इससे पहले इस साल 6 जनवरी और 2 जुलाई को आंशिक सूर्य ग्रहण लगा था। फिलहाल इस खबर में इतना ही।